साथियों, देश को तेजी से विकास करना है तो उसे दशकों पुरानी समस्याओं और दशकों पुरानी चुनौतियों से मुक्ति पानी ही होगी। आपने देखा होगा, घर में भी दिवाली के समय अगर दीवार को रंग लगाना है तो पहले पुराना जो कुछ भी है उखाड़ करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तब जाकर के नया रंग भी लगता है ना। हर कोई पुरानी जो बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, बंधन है, उससे मुक्ति पहले लेनी ही पड़ती है और पूरे देश की यही अपेक्षा है, यही जनादेश है। और दिल्ली और देश के इसी आदेश पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं जरा थोड़ी झलक दिखाना चाहता हूं आपको, काम कैसे होता है और तेज गति से क्यों करना पड़ रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप देखिए, आर्टिकल 370 से मुक्ति, आर्टिकल 370 से मुक्ति, 370 हटाना कितने साल बाद मिली? 70 साल बाद। राम जन्मभूमि पर फैसला स्वतंत्रता के कितने साल बाद आया? 70 साल बाद। करतारपुर साहब कॉरिडोर कितने साल बाद बना? 70 साल बाद। भारत बांग्लादेश, पुराना पाकिस्तान, सीमा विवाद कितने साल बाद हल हुआ? 70 साल बाद। सीएए से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को नागरिकता का अधिकार कितने साल बाद मिला? 70 साल बाद। शहीद जवानों के लिए देश में नेशनल वॉर मेमोरियल कितने साल बाद बना? 50-60 साल के बाद बना। शहीद पुलिस कर्मियों के लिए नेशनल पुलिस मेमोरियल कितने साल बाद बना? 50-60 साल के बाद बना। शत्रु संपत्ति कानून, एनिमी प्रॉपर्टी, ये काम विभाजन के तुरंत बाद होना चाहिए था। शत्रु संपत्ति कानून कितने सालों के बाद लागू हुआ? 50 साल के बाद। बोडो आंदोलन का समाधान करने वाला समझौता कितने साल बाद हुआ? 50 साल बाद। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ कितने साल बाद मिला? 40 साल के बाद। 84 के सिखों के साथ जो नरसंहार, उन दोषियों को सजा कितने साल बाद मिली? 34 साल के बाद। वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान कितने साल बाद मिले? 35 साल के बाद। बेनामी संपत्ति कानून कितने साल बाद लागू हुआ? 28 साल के बाद। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के समझौता कितने साल बाद हुआ? 23 साल के बाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कितने साल बाद हुआ? 20 साल के बाद। देश में जीएसटी कितने साल बाद लागू हुआ? 17 साल के बाद। अनगिनत बातें बता सकता हूं,
सुनकर के आपको भी लगता होगा कि पहले की सरकारों ने कैसे कैसे देश को उलझा के रखा हुआ था। आप मुझे बताइए, क्या मुझे भी ऐसे ही चलना चाहिए कि समस्याओं को सुलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए कि नहीं सुलझाना चाहिए? साथियों, ये फैसले पहले भी लिए जा सकते थे, ये समस्या पहले भी सुलझाई जा सकती थी, लेकिन जब स्वार्थ नीति ही राजनीति का आधार हो तो फैसले टलते भी हैं और अटकते भी हैं। आज देश इस पहचान से आगे बढ़ चला है। आज देश में अटके और लटके विवादों और विषयों का समाधान तो हो ही रहा है। कई ऐसे फैसले भी लिए गए जो पहली बार हुआ है। पहली बार लाल बत्ती के रौब से भारतीयों को मुक्ति देने का काम किया है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का अधिकार मिला। पहली बार 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो हो गया। पहली बार काले धन की हेराफेरी करने वाली 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों को ताला लग गया। पहली बार उद्यमियों को बिजनेस से सम्मानजनक एग्जिट का मार्ग देने वाला आईबीसी कानून बना। पहली बार देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंची। पहली बार किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिली। पहली बार 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों तक टॉयलेट की सुविधा पहुंची। पहली बार 8 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में गैस का मुफ्त कनेक्शन पहुंचा। पहली बार 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचा। पहली बार नाबालिगों से रेप करने के केस में फांसी की सजा का प्रावधान हुआ। पहली बार मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक से, जुल्म और ज्यादती से मुक्ति मिली। और पहली बार देश को लोकपाल भी मिला। वैसे देश के लोगों को तो लोकपाल मिला, लेकिन दिल्ली के लोग आज भी लोकपाल का इंतजार कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी बड़ी बातें, उन सब का क्या हुआ?